जेपी आंदोलन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरजमीन पर उतारे और दबे कुछ। आज शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए जेपी आंदोलन की 47वीं स्थापना दिवस मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरिंद कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष संबोधन में संपूर्ण क्रांति मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव शिक्षा नेता अमरिंद कुमार सिंह ने कहा कि संपूर्ण क्रांति मोर्चा द्वारा आज के दिन गांधी मैदान में सन 1974 को बिगुल फूका गया था। मुझे जेपी आंदोलन से व्यक्तिगत लगाव मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय कॉमरेड सुखदेव सिंह से हुई, जो बिहार के जाने माने जेपी आंदोलन के नेता थे, जो कि जेपी आंदोलन मूवमेंट में जेल भी गए थे और निशा द्वारा सजा हुई थी। सबसे पहले जेपी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज के दिन बिहार के छात्र नौजवान एवं छात्राओं ने कांग्रेस के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। ऐसे नेता को मैं नमन करता हूँ। जदयू के अल्पसंख्यक सेल के जिला महासचिव डॉक्टर जुल्फिकार अली ने कहा कि जेपी आंदोलन के प्रमुख शिष्यों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके विचारों को जमीन पर उतारते हुए युवा लड़कियों को साइकिल एवं अनेक सुविधाएं दी। इस अवसर पर जेपी श्रेणी के जिलाध्यक्ष और अधिवक्ता राजन महतो, राजेश कुमार अधिवक्ता, सुनील तादेवी महिला सेल सचिव, इंजीनियर आलोक कुमार, छात्र नेता अभिषेक कुमार, अनिकेत कुमार, अमर कुमार, बच्ची अनाया कुमारी ने जेपी आंदोलन को याद किया। उन्हें सत सत नमन करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। बीएनपी न्यूज के लिए कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। उस समय में गरीबों पर पूरा शोषण था और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण पार्टी को मिलाकर जेपी ने संपूर्ण संगठन को एक साथ लेकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और आज एक दिन गांधी मैदान से बिगुल फूका था और 1977 में सत्ता में आए। मगर ऐसे महान नेता थे, टोटल सब उन्हीं का देन था, मगर वो कोई पद पर नहीं थे, कुछ नहीं बन पाए, कुछ नहीं रह पाए, दूसरे बने। उसे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस को लोग भूलते जा रहे, कल उनका जन्मदिन था। जॉर्ज फर्नांडिस ने संघर्ष किया था, उनको मिसा में बंद कर दिया था। अब मैं इस क्रांति दिवस पर मैं जो इतना आज कर रहा हूँ, ये मेरे स्वर्गीय पिता सही पिता सुखदेव बाबू का देन है। 74 आंदोलन में सुखदेव बाबू के साथ मैं छोटा था, मात्र 15 साल की उम्र था, उस समय आंदोलन में मैं था और मेरे पिताजी को मिसा में बंद कर दिया गया था। मैं जेपी आंदोलन में छात्र का नेतृत्व व्यवसाय करता था, पटना भी जाकर मैं आंदोलन में साथ ब्रह्मदेव पटेल, लल्लू भैया, अनेक नीतीश जी, लालू जी उसे बच्चे थे, उनके साथ मैं पटना में बीएन कॉलेज से लेकर साइंस कॉलेज तक मैं अशोक राजपथ उनके साथ रहते थे 77 में। उस समय में हमारे जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से खड़ा हुए थे, हाथ हथकड़ी बेड़ी का फोटो बनाकर घुमाए थे, बहुत भोर से जीते थे। ऐसे महान नेता को आज क्रांति दिवस पर भी मैं धन्यवाद दूं, नमन करता हूं और आज के दिन मैं कहना चाहता हूं कि जेपी के बहुत ऐसे चेले चपाटी उच्च पद पर हैं, उनको समाज के बारे में देश के बारे में वो कभी बीजेपी जो नेतृत्व जयप्रकाश जी ने किया, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब मिलकर संघर्ष में आगे बढ़ाया। ऐसे महान नेता को आज क्रांति दिवस पर 47वां पर मैं आए हुए साथियों को धन्यवाद दूं। जुल्फिकार अली जी जो जदयू कल के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे राजेंद्र महतो आप अधिवक्ता संघ के हैं और जेपी सेनानी भी हैं और हमारे प्रकाश विकास कुमार अधिवक्ता जी हैं, हमारे मुन्नी जी पोती अनया कुमारी। मैं चाहूंगा एक मिनट हमारे जुल्फिकार जी एक मिनट बोले।